नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं या अपने दिल की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो आज ही कहिए, क्योंकि क्या पता ये मौका मिले ना मिले। कई बार फ्रेंड्स हमारी लाइफ में हमें मन तो करता है किसी को अप्रिशिएट करने का, लेकिन हम कर नहीं पाते। कई बार हमें मन तो करता है कि हम किसी से कहें कि वो हमारे लिए खास है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे कह नहीं पाते। कई बार हम किसी से सॉरी तो करना चाहते हैं और हमें इस बात का एहसास भी होता है, लेकिन उसे हम कह नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगीता चावला। आज जो मैं कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो है एक कपल की। एक कपल नेहा और साहिल, जो एक दूसरे को बहुत चाहते थे और 4 साल की रिलेशनशिप के बाद उनकी मैरिज हुई थी। आज उनकी मैरिज को 4 साल हो गए थे, लेकिन पहले 4 सालों में जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और इस 4 सालों में ये डिफरेंस था कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे। रोज ही उनके बीच में कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ तकरारें, ये बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी बात करने पर ये लगता था कि वो झगड़े में ना बदल जाए। उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप तो बढ़ता ही जा रहा था। आज उनकी 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी और नेहा अपने घर में अकेली बैठी थी और वो सोच रही थी कि आज हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी कि वो खुद ही इसके जिम्मेदार है, और एक तरफ से वो एक्साइटेड भी थी कि शायद साहिल का फोन आ जाए और वो मुझे विश करे, कहे हैप्पी एनिवर्सरी और कुछ ना कुछ प्लानिंग करे और कहीं ना कहीं ले जाए। इतने में फोन की घंटी बजी और इसी उम्मीद के साथ कि वो फोन साहिल का होगा, वो उठाने के लिए दौड़ी। लेकिन जब फोन उठाया तो किसी और की आवाज आई। वो कह रहा था कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, एक्चुअली मुझे एक वॉलेट मिला है जिसमें से आपका नंबर मुझे मिला है और आपसे मैं बात कर पाया हूं, और जिसका वॉलेट है उसकी जान हम नहीं बचा पाए क्योंकि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर नेहा के होश ही उड़ जाते हैं, उसको यकीन ही नहीं होता। उसके हाथ से फोन गिर जाता है, वो बिलक बिलक कर रोने लगती है और कहती है ये नहीं हो सकता, साहिल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। साहिल से तो मुझे बहुत बातें करनी थी, अभी बहुत कुछ कहना था और अभी मुझे उससे माफी भी मांगनी थी, अभी मुझे सारी दिल की बातें करनी थी और इन सब बातों के लिए मैं भी तो जिम्मेदार थी, इसीलिए मुझे उनसे माफी मांगनी थी। साहिल एक बार आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे माफ कर दो। बस ये कहती जा रही थी और रोती जा रही थी, और बिलख कर रोते रोते वो जमीन पर गिर पड़ी और अब बेहोश ही हो गई थी वो। इतने में डोर बेल बजी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर उसने दरवाजा खोला तो देखती है कि ये क्या साहिल खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ और उससे लिपट कर रोने लगी। उसने सारी कहानी उसको सुनाई। साहिल बोला, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। नेहा ने भगवान का शुक्रिया किया और साहिल से बहुत माफी मांगी, हर तरीके से माफी मांगी, और उससे कहा वो हमारे बीच में हुआ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी थी, इसीलिए मुझे माफ कर दो और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से उनको एक दूसरा मौका भगवान ने दिया और वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर पाए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है जिस तरह से उनको मौका मिला उस तरह से सबको मौका मिल पाए। इसीलिए आपके दिल में जो बात है वो आज ही कहिए। आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं अगर, तो अप्रिशिएट करें। अगर आप किसी से सॉरी करना चाहते हैं तो उसको सॉरी कहें। अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना खास है, तो आज ही कहें। सो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।